Hi guys, good morning, welcome back to my new vlog. So, अभी उठे, नहाना धोना तो हो गया, नाश्ता बाकी है. तो मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर लूँ अभी, फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर बीच में से स्टार्ट कर देती हूँ. तो इसके लिए प्राची ने बोला, मम्मा आप वीडियो स्टार्ट करो, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ. तो आज हम लोग कॉफ़ी पियेंगे प्राची के हाथ की. तो प्रथम भी जाने वाला है, तो फटाफट मुझे खाना बनाना पड़ेगा अभी. और एक काम के लिए मुझे बाहर जाना है, तो वो भी जाना है. तो अभी मैं फटाफट नाश्ता तो ज़्यादा इतना कुछ करेंगे नहीं, लाइट ही नाश्ता करेंगे. और खाना बनाऊंगी फटाफट और निकलूंगी बाहर जाने के लिए. तो मिलते हैं. कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये बात मैं बताती हूँ मैं आपको. तो ये रही चाय, हम करेंगे नाश्ता फटाफट. और अभी सब्जी वगैरह काटनी है, आटा गूंदना है, फटाफट खाना बनाऊंगी मैं. पर तुम बोल रहे मम्मी फटाफट करो, मेरे को निकलना है. तो वैसे हम लोग को उठने में थोड़ा लेट ही हो गया, क्योंकि लेट प्रथम पढ़ाई कर रहा था तो कोई भी नहीं सोया लेट. तो सोया कितने, 1:30 बजे. तो प्राची भी नहीं सो रही थी. फिर मैं बोली मैं क्या करूँ. फिर मैं भी यहाँ पर टाइम पास कर रही थी, वीडियोज़ वगैरह देख रही थी रील पर. तो हो गया लेट सोने को रात में, तो उठे भी हम लेट. तो अभी फटाफट आगे का काम करती हूँ. चलो हम निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं. प्राची के पप्पा वेट कर रहे प्राची का, क्योंकि दिख नहीं रहा है, लाइट है इसके लिए. सो यहाँ से वीडियो बनाते हैं. तो प्राची भी आ रही है और हम जा रहे हैं. कहाँ जाएंगे तो बाद में आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं अभी रिवील नहीं कर सकती वो चीज़ें. बट थोड़ा सा मैं क्लिप डालूंगी, आप गेस करना कि हम कहाँ गए थे. तो अभी निकल रहे हैं, लिफ्ट आ रही है. ए चल लो कर आली लिफ्ट. तो अभी हम निकल रहे हैं, लिफ्ट आ गई है, चलो निकलते हैं. तो यहाँ पे है प्राची, ऑलवेज बिजी पर्सन. एंड यहाँ पे है मेरे हस्बैंड जी, हैंडसम बॉय. मैं दिखाती हूँ ऐसे हैंडसम, ऐसे हैंडसम गाइस. थोड़ा भी बाहर निकलेंगे घर से, देखो पसीना, इतना पसीना, इतना पसीना. सो हम लोग हमारा काम निपटा के आ गए. मैंने वहाँ का नहीं डाला, बिकॉज कोई चीज़ सीक्रेट रहेगी तो ये अच्छा है ना, बाद में फिर नज़र लग जाती है. तो इसके लिए इन फ्यूचर तो आपको पता ही चलने वाला है क्या है क्या नहीं. अभी तक वो रेडी हुआ नहीं है, रेडी होगा तो मैं आपको बताऊंगी. इतने अच्छे हिंट्स दे रही हूँ, पता ही चलेगा क्या. हिंट्स दे रही हूँ मैं, पता चलेगा इन फ्यूचर. तो अभी घर पे जाके मुझे थोड़ा खाना बनाना पड़ेगा अभी. और क्या अभी मेरे को थोड़ा रोटी वगैरह बनाना है, थोड़ा बाकी का तो मैं बना के आ गई, तो चपाती वगैरह करना पड़ेगा. तो अभी जाती हूँ फटाफट, फटाफट बनाती हूँ. वैसे भी कितना बज गया, 2 बज गया, चलो जल्दी जल्दी. सो हमने मंगाया मुर्ग मुसल्लम मसाला. तो चपाती तो मैंने बनाई थी, बट प्रथम बोला कुछ तो बाहर का खाने का मन हो रहा था, तो हम लोग ने ये मंगाया है. तो अभी बजे है 3:00 बजे, हम लोग खाना खा रहे हैं अभी. और प्रथम निकलेगा अभी जाने के लिए, तो फटाफट खाना खा के निकलते हैं. सो इसका मैंने एक बाइट लिया है, ये इतना टेस्टी है ना, इतना टेस्टी है ना, माय गॉड, सॉलिड टेस्ट है इसका. तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पोको का खाना ख़त्म हो गया है, उसके स्टिक्स और मॉर्निंग के नाश्ते का बिस्किट्स ख़त्म हो गया है. तो हम लाने जा रहे हैं अभी, और थोड़ा पोको को भी घुमाएंगे, है ना पोको. एगे दर बूम बूम जाए जा. चलो हम लोग पहुंच गए, ये देखो मजे कर रही है साथ में. तो शॉप में जाते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको क्या ले रही हूँ. ये देखो कितना अच्छे अच्छे बच्चों के खेलने के, तेवढंच की हे वेज आहे आणि हे नॉन वेज आहे. कोको तेरू कौन सा चाहिए बोल,
बेस्ट कौन सा रहेगा वो दे दो ना एक। कौन सा अच्छा है ना उसमें दे दो। नॉन वेज में अपन घेत ले लेना लास्ट टाइम नॉर्मल लीवर सॉफ्ट वाले। ये बना मिल्की विद चिकन है। अच्छा ये मिल्क चीज और चिकन मिक्स है। अच्छा ये वाला ना तो कौन सा बेस्ट है इसमें? ये वाला ये पसंद है फ्लेवर है वो खाएगा नहीं खाएगा क्या इसमें क्या चीज भी है ना पसंद है नहीं कौन सा मिल्की वाले ले रहा है मिल्क है नहीं ये चीज है कौन सा मिल्की वाला ले ले ये दे ट्राई करते पहले एक दूसरा पण घ्यायचा आहे का पहिला सीधे ये घेतलेला ये वेगळा आहे हां इसमें नहीं है ना लेकिन के पास नॉनवेज नहीं है तो इचिंग ना होणार मग तिला ये किसका है क्या है इसमें मिल्क है वेज हां बस मिल्क है मैं एक घेते है ना बस और कुछ टॉयज वगैरह लेना है क्या क्या आए थे है तो ये इथं एक होता तुम्हाला वाटतं कॅटचं फुको तुला कोणतं पाहिजे गंदी ये कॅट का है ना टॉक्स के भी दे सकते हैं बट इसमें नहीं होगा ना छोटा है इसमें बड़ा है क्या इसमें ऐसे में नहीं ऐसे में बेल्ट सबको सेपरेट लेना पड़ेगा बेल्ट नहीं चाहिए बस वही ये गले वाला वैसा नहीं है छोटे जाओ बस इतना ही लेना है और लो मतलब फैंसी ऑफिस के लिए आते हैं बड़ो तो नहीं होगा ना छोटा होगा चलो ये करो देख कौन सा लेने का देख ले मत रुक जो लेना है वो ले ले प्रथम ना ते पाठवले तुझे स्टिक्स आहे पण बिस्किटच्या टाइप मध्ये ते वेगळं आहे आपण जे घेतलेले ना ते हां ओके आहे वो भी नॉनवेज आहे ना वो नीचे वाला नीचे वाला अपन घेतलेलं ते ते बोलली ना ती इचिंग होते ना डॉक्टर बोललेली तिला अच्छा वो है क्या पेडिग्री में खाली वही है खाली वो साइड का ही है पेडिग्री पेडिग्री बोलता अपना रॉयल कैनल में सॉरी वही है ना छोटा ही है लेकिन फूडी है बाकी कुछ नहीं है इसमें आता है कि नहीं इसमें इसमें आता है ना अच्छा ठीक है बघ त्याच्या मध्ये मध्ये दोन चांगले आहेत मला वाटतं बघ अरे बघ अभी फोटो की मजा सब कुछ हो गया चलो तो हम आ गए घर पे अभी बाहर धूप में घूम घूम के देखो फेस कितना ब्लैक ब्लैक हो गया पूरा तो अभी पोको के लिए हम लोग लाए हैं चिकन स्टिक्स एंड वो बिस्किट जो सुबह नाश्ते में देते थे ना वो बिस्किट तो नहीं मिला तो ये मिल्क का स्टिक्स लेके आए तो अभी उसका एक वो बोला कल मैं मंगा के आपको देता हूँ और होम डिलीवरी करेगा बोला था तो कल मॉर्निंग में आएंगे पोको के बिस्किट और अभी घर पे आई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि प्रथम गया और उसके साथ प्राची भी गई वो बोली अभी मेरे को कुछ है नहीं शूट नहीं था कुछ भी नहीं था उसका तो बोली मैं दो तीन दिन दादा के साथ रह के आती हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है अभी घर पे आई तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मैं नहीं गई बिकॉज प्रथम के पापा का ऑफिस है ना तो उन्होंने अभी दो तीन दिन छुट्टी ली तो एकदम फटाक से अभी छुट्टी मिलेगी नहीं बट वो बोले कि देखता हूँ मैं आज ऑफिस में बात करके अगर मिली तो हम भी जाएंगे तो अभी बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा अभी मैं आई थोड़ा सा छाँस ली है पीने के लिए इतनी गर्मी माय गॉड पूरा फेस की तो बैंडी बज गई है इतना गंदा लग रहा है देखो ऑयली ऑयली सुबह से ही घूम रही हूँ सुबह गई थी एक काम के लिए बाहर तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को ही है थोड़े दिन में तो आपको पता चलेगा फिर आई फिर खाना बनाई खाना मीन्स रोटी खाली बनाई थी और सब्जी बना के गई थी मैं आके मैं सोची कि गरम गरम रोटी बना के दूँगी ये लोग को फिर प्रथम का मूड हो गया कि हम कुछ मंगाते हैं बाहर से तो फिर बाहर से मंगाया फिर रोटी तो बनी थी फिर खाना वगैरह हो गया फिर दोनों चले गए और फिर मैंने प्राची के पापा बोले कि पोको का भी खाना ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था दो दिन से तो उसको नाश्ते में मतलब सुबह हम लोग अंडे दे रहे थे तो अभी कल उसके जो बिस्किट्स थे वो कल आएंगे और ये दो पैकेट हम लेके आए
तो अभी घर का काम सब पड़ा है बच्चों के पीछे, मतलब किचन का तो काम हो गया है बट कपड़े वगैरह क्लीनिंग वगैरह बाकी है, तो अभी वो फटाफट करना है तो फटाफट वो करते हैं। मिलती हूँ आपको। तो अभी कपड़े वगैरह सब धो के हो गया, क्लीन हो गया घर, तो अभी खाना खा के सोना है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड मेरे को कैसे वीडियो बनाने हैं वो थोड़ा सजेस्ट करो। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।